या तो फिर फैसला बंदूक ने करना है तो कर लें, या जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का बनता है और वो फैसले करेंगे उनकी तामील करना आप पर लाजिम है। आज हम डर क्यों रहे हैं? अगर वो कबीना को बुला लेते हैं, वजीर आजम को बुला लेते हैं, ISI को बुला लेते हैं, तो उनका ये ऐन हक है। इमरान खान जो है वो चूंकि खड़ा हो गया है, और जब खड़ा हो गया है कौम और उसके साथ पूरी तरह डट के खड़ी हो गई है। आपकी 80% पॉपुलेशन आपके खिलाफ हो गई है, आपके नजदीक तो वो गद्दार हो गए। उन गद्दारों को सजा कैसे देंगे आप? 76 साल आप बताएं मेरे भाई कि वो इस मुल्क पे हुकूमत किसकी थी? बड़े राज जनरलों ने की। आप पूरी कौम के साथ खिलाफ ये नहीं लड़ सकते, इनको यकीन वोट बैंक पे आना पड़ेगा। इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट ने अगर ये जंग लड़ी तो इमरान खान तो खड़ा रहेगा। कौम ने नवाज शरीफ को नहीं छोड़ा, हर दफा नवाज शरीफ ने कौम को छोड़ दिया। हम तड़पते रहे, मारे खाते और रहे जेलों में, हमें बर्फ की सिरों में लिटाया जाता रहा। हमने ही छोड़ा, हमने नवाज शरीफ को। वेलकम सियासत डॉट पीके से, मैं हूं वकार बकार। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी। मखदूम साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, मोहसन अख्तर कियानी साहब ने जो स्टांस लिया है, एजेंसीज, ISI, दिगर अदारों को, काबीना को एक लाइन में खड़ा कर दिया है, ये सब कुछ करने के बाद क्या वो गुमशुदा, वो लापता सहाफी और शायर बाजियाब हो पाएगा? और इस स्टांस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जज तो जज होता है, और वो जब फैसले सुनाता है वो उसके प्रोज एंड कॉन्स को पेश नजर रखकर नहीं सुनाता। वो कहते हैं कि इंसाफ मुझे ये कह रहा है और ये मैं आपको कह रहा हूं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर और कोर्ट्स के अंदर ज्यादातर एस्टेब्लिशमेंट प्रिवेल कर जाती थी। ये अल्लाह का शुक्र है, हमारी जो उम्मीदें हैं वो जाग उठी हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट के अंदर भी जो जज जज बैठे हैं वो अब वैसे अपने सोच और जमीर के मुताबिक दे रहे हैं। यहाँ तक ताल्लुक है एस्टेब्लिशमेंट का, ISI का या IB का और हमारे कैबिनेट का, हमारे वजीरों का, ये वो अब हमारे पंजाबी में कहते हैं कि नत्था सिंह प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग। ये तो मिल जाते हैं और वो कौम को फिर नीचे लगा के फैसले अपनी मर्जी के करते हैं, और फिर जो लूट खूट लूट का निज़ाम है वो बहाल हो जाता है और पाकिस्तान जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर हो जाता है और उसके अंदर सख्त भी जिंदा रहने की छीन ली जाती है। ये तो शुक्र है पाकिस्तान 76 साल तक खड़ा है और डूबा नहीं है, लेकिन ये उसको डुबोने की कोशिश करते हैं। और अगर अब हमारे सुप्रीम कोर्ट के लोग जो अगर वो जाग उठे हैं तो उससे पूरी कौम की उम्मीदें भी जाग उठी हैं। मखदूम साहब, ये वही जज हैं जिन्होंने खत भी लिखा था, जिनके ब्रादर निस्बती को उठाया गया था, करंट लगाया गया था। 76 सालों में कोई ऐसा जज आया जिसने इस तरह का स्टांस लिया है? तो आपको लगता है कि ये फायर बैक हुआ है? नहीं, इस तरीके के स्टांस जजेस लेते रहे हैं।
कारिलियस से लेकर, और उस वक्त भी तरह से हमारे ज्ञानी जज साहब थे अयूब खान के दौर के अंदर भी, ये स्टांस लेते रहे हैं, लेकिन वो इक्का दुक्का होते थे। अब इस वक्त उसको ये आप जाती इंतकाम की बात न लें, इस वक्त पूरा सुप्रीम कोर्ट जाग रहा है, सिवाय चीफ जस्टिस साहब के, उनको भी आखिरकार वही फैसले करना पड़ेंगे जो हक और सच के फैसले हैं। इसलिए इसको इतना मिनिमाइज न करें कि जज साहब ने अपने पैरवी का इंतकाम लेने के लिए वो ये बातें कर रहे हैं, नहीं, ये बातें होनी चाहिए। मुझे बताएं, एक शायर शायर है, उसको उठा लिया गया है, जो लोगों के घरों की शिकायत, बलोचिस्तान के लोगों के, लोग जाके मर खप जाते हैं, हर घर से वहां एक आदमी शहीद हो चुका है या मारा जा चुका है, उसका नतीजा क्या निकल रहा है? हम ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेहतर समझें या रोजाना हमारे मेजर, कर्नल और कांस्टेबल सैकड़ों की तादाद में शहीद हो रहे हैं वहां पे, अफगानिस्तान की सरहद पे, तोरखम पे, नॉर्दर्न एरियाज के अंदर, और इसी तरीके से हमारे खैबर पख्तूनख्वा के सारे शामिल होने वाले इलाकों में भी, फिर बलूचिस्तान के रोजाना वो हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, और वो भी जो मारे जा रहे हैं वो सिर्फ मारे जा रहे हैं बल्कि वो भी शहीद हैं। तो या तो फिर फैसला बंदूक ने करना है तो कर लें, या जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का बनता है और वो फैसले करेंगे उनकी तामील करना आप पर लाजिम है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है कि आप सरे मुंह इनहराफ कर सके उनके फैसलों से। तो इस वक्त जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स हैं या उनकी जजमेंट्स जो आ रही हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि वो सेक्टर कमांडर आईएसआई को बुलाएंगे, उसके बाद वजीर आजम और उसकी काबीना को भी बुलाएंगे, इन फैसलों पर आपको लगता है कि कानूनी लिहाज से तो अमल दरामद होना चाहिए? क्या एक्चुअल में अमल दरामद होगा? देखिए, जो महज़ब कौमें हैं वो तो अपने सदर को भी 10 दफा बुला लेती हैं, अमेरिका को देख लें, बरतानिया को देख लें, पूरी दुनिया के अंदर वो कोई, क्योंकि हम कहते हैं, दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो वहां तो हजरत उमर को भी अदालत में पेश होना पड़ता है, वह मौला अली को भी काजी की अदालत में पेश होना पड़ता है, हाजिर होते हैं, अपने मुकदमा लड़ते हैं, फिर काजी उनके खिलाफ भी फैसला दे देते हैं। तो वो ये जो जो हम बुनियाद और फराहम करने वाले थे, आज हम डर क्यों रहे हैं? अगर वो काबीना को बुला लेते हैं, वजीर आजम को बुला लेते हैं, आईएसआई को बुला लेते हैं, तो उनका ये ऐन हक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये पावर्स हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। ये काश 76 साल में पहले भी सारे जजेस ये फैसला करते तो मुल्क दो टुकड़ों में ना बटता, मशरकी का पाकिस्तान अभी तक हमारे साथ होता। अब अगर सुप्रीम कोर्ट जागा है तो फिर उन्हें जागने दें, खुदा का नाम लेके इसको पर्सनल प्रोसिक्यूशन का नाम मत दें या प्रोसिक्यूशन का नाम ना दें। मखदूम साहब, बिफोर गोइंग द पॉलिटिकल डिबेट, मुझे अभी ये बता दीजिएगा कि तारीख में ऐसे जजेस जो इस तरह के सख्त स्टांस लेते हैं, आइन के लिए खड़े होते हैं, उनका अंजाम क्या होता है? वो रिटायरमेंट के बाद एक खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं या मुश्किलात से दोचार होना पड़ता है उन्हें? नहीं, देखिए, हमारे मुल्क में तो दुश्वार होना पड़ता था, लेकिन मुझे एक बात बताएं यार, आप अभी के इलेक्शन को देख लें, अगर आपकी पूरी कौम
आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है तो आप तो समझेंगे कि ये मुझसे गद्दार हो गए हैं। तो खैर पाकिस्तान के दो चार गद्दार होते थे हम जैसे, या बागी होते थे हम जैसे, उनकी तो फिर ठुकाई होती है, उन जजों को भी फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी 80% पॉपुलेशन आपके खिलाफ हो गई है, आपके नजदीक तो वो गद्दार हो गए, फिर उन गद्दारों को सजा कैसे देंगे आप? फिर वही जो फैसले कर रहे होंगे वही कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे, आप गद्दार बन जाएंगे। तो अपने आप को गद्दार होने से बचाएं। तो सर बता दीजिएगा कि एस्टेब्लिशमेंट को स्टेप बैक होना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज को रिफ्रेश करना पड़ेगा, उन पे नजरसानी करनी पड़ेगी इस सिचुएशन में सरवाइव करने के लिए। देखिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया, कोई उनके पास, उन्होंने रास्ता छोड़ा नहीं है। 76 साल आप बताएं मेरे भाई कि वो इस मुल्क पे हुकूमत किसकी थी? बड़े राज जनरलों ने की, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली भी जनरलों ने की, कैद आजम के जो उनकी ऑर्डर्स होते थे उनको भी इन्होंने रद्दी के टोकरी में फेंका। अयूब खान मशरकी पाकिस्तान कैद आजम भेजना चाहते थे, उन्होंने कहा मैं, हम तो जाते ही नहीं है। और आखिर कैद आजम को उन्होंने जरा एग्जाइल करके मुल्क के अंदर एग्जाइल जियारत में भेज दिया। कराची में होते तो आखिर दम तक वो मुल्क के लिए अकाम देते रहते, मशवरे देते रहते थे। और तो उसी मरते दिन वक्त तक गवर्नर जनरल थे ना, तो उन्होंने उसको बाहर फेंक दिया। अब उसके बाद उनके तो फैसले करने के लिए इन्होंने वो संभाल लिया हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने। तो इसलिए इतनी ज्यादा हुकूमतें करने के बाद पाकिस्तान इनके मुताबिक तो बहुत मजबूत हो जाना चाहिए था, दुनिया के अंदर नंबर वन पे आना चाहिए था हर चीज में, इंसाफ में, मईशत में, बेरोजगारी के खात्मे में। उसकी बजाय पाकिस्तान नहीं होता गया। आज पाकिस्तान जो है, आप अंदाजा करें कि क्या पोजीशन है हमारी। हम भीख मांगने के लिए कशकोल लेके एक-एक दरवाजे पे जाते हैं, लेकिन घर के अंदर एक-एक दिन में खरबों की स्मगलिंग हो रही है, खरबों की, इससे ऊपर भी फिगर हो तो उसके अंदर स्मगलिंग हो रही है। और कर कौन रहा है? एस्टेब्लिशमेंट खुद। तो सुप्रीम कोर्ट को अगर वो बाहर निकल आए हैं, तो पूरी कौम के साथ खिलाफ ये नहीं लड़ सकते, इनको यकीन वोट बैंक पे आना पड़ेगा। ठीक है मखदूम साहब, बता दीजिएगा, हमें ये भी बताया गया और कहा भी गया, समझाने की भी कोशिश की गई कि जेल बड़ी सख्त होती है और जेल में साल 6 महीने रहकर आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। इमरान खान जेल में है, कंप्रोमाइज भी नहीं कर रहा, मकबूलियत भी खत्म नहीं हो रही, क्या मामला चल रहे हैं सर, आप कैसे देखते हैं इस सिनेरियो नहीं को? नहीं ये ऐसे एक रूटीन की बात करते हैं। वो हमारे जो लीडर्स हैं, 35 साल हमने उनके साथ गुजारे, मियाँ साहब का बाद में प्लेटरिस्ट का करके डील करके चले गए, या वहाँ पर जद्दा जद्दा में चले गए 10 साल के लिए सियासत में हिस्सा ना लेने की डील करके। तो ये फिर ये डील करके इनको लंदन से वापस मियाँ साहब को लाया गया। लेकिन ये इमरान खान जो है वो चूंकि खड़ा हो गया है, और जब खड़ा हो गया है कौम और उसके साथ पूरी तरह डट के खड़ी हो गई है। ये कोई इलेक्शन होते हैं जिसमें उसके पास सिंपली भी ना हो, अपनी सिंपली ना हो अपनी पार्टी के पास, वो कोई पार्टी होती है, इसके बावजूद लोगों ने तलाश कर करके उसी के निशान को कामयाब कराया। अगर इमरान खान खड़ा रहेगा तो फिर पाकिस्तान को कोई डुबो नहीं सकता, और वो खड़ा रहेगा।
मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि वो उसने देख लिया है पहली दफा इकतदार उनसे हासिल करके भी, वो उनकी बैसाखियाँ को इस्तेमाल करके भी, अब उसे उन बैसाखियों के बगैर इकतदार मिलेगा तो लेगा, बैसाखियों के साथ वो डील करके 6-7 महीने के अंदर वो डील करने वाला आदमी नहीं है। दूसरी जनाब, ये भी सर कहने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान एक बस सियासतदान है और उसने चंद लोगों के दिमागों पे कब्जा किया हुआ है, चंद लोगों के दिमागों को उसने खराब किया हुआ है और वो खत्म हो जाएगा, हम उसे खत्म कर लेंगे मुख्तलिफ सजाएं देकर। मेरे भाई देखें, अगर वो खत्म हो जाता, अभी कल इलेक्शन हुए, मैं जहां बैठा हूं मुल्तान में, तो उसको इस तरीके से मैनेज किया गया, हालांकि लोगों ने जहां तक हो सकता था उन्होंने महमूद महक बरिस्टर को वोट डाले, इमरान खान को वोट डाले, लेकिन आरओ का कमरा जो एक लिहाज से आपके सामने एक आईना लगा दिया जाता है और कहा जाता है जो आए देख ले, उनके जो वो क्या होता है पोलिटिशियंट आके बैठ सकते हैं, सहाफी बैठ सकते हैं, हर रिजल्ट उनको दिखाएंगे ताकि वो आंखों देख सके। कल उसके अंदर ना सहाफियों को अंदर जाने दिया गया है, ना उस जो इलेक्शन लड़ रहा था उसको जाने दिया, ना नहीं जाने दिया गया, उसके पोलिंग एजेंट्स को नहीं बैठने दिया गया, तो फिर वहाँ जो उन्होंने लगाने थे अपने रिजल्ट्स हर पोलिंग स्टेशन के, वो हर कौम को दिखाना था, वो कमरे ही बंद था। फिर हम क्या कहें कि इमरान खान का कौम कितना तारी हो चुका है इनके जेनों पे, आप कहते हैं कल लोग पीछे हटते जाएंगे, लोग और बढ़ के आगे आ जाते हैं, फिर उनको रोकने के लिए इन्हें लाठीचार्ज करना पड़ता है, इन्हें इलेक्शन के दिन लाठीचार्ज करना पड़ता है, उनको पोलिंग स्टेशन में जाने से रोकते हैं ये, तो ये वो रुक नहीं रहा, वो जो जलहार है इमरान खान के साथ चली हुई है, उस जलखार को रोका नहीं जा सकेगा। तो अगर ये जलगार कायम रहती है तो फिर इमरान खान पाकिस्तान के शायद वो पहले वज़ीर आज़म होंगे दोबारा जो मुंतखब होंगे एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर, और अगर एस्टेब्लिशमेंट स्टेप बैक हो जाती है तो। नहीं, मैं तो अभी तक ये कोई अपना आपको पेशीन गोई तो नहीं कर सकता, इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट ने अगर ये जंग लड़ी तो इमरान खान तो खड़ा रहेगा, फिर एस्टेब्लिशमेंट अगर जीतेगी तो इमरान खान नहीं हारेगा, पाकिस्तान हारेगा, इसलिए अब इनको पीछे हटना पड़ेगा। वजीर आजम मेरा तो नहीं ख्याल कि ये उसे रिहा भी करेंगे, मैं तो नहीं समझता, ये पाकिस्तान की हार भी देखेंगे, इनको बुरी भी नहीं लगती, ढाका के अंदर आपको पता नहीं पलटन मैदान के अंदर पाकिस्तान की हार हुई, उसके ऊपर भी हम जनरल रानी और याह्या खान और कितने लोगों को फिर लेके आते हैं कि यही हमारे मसाइल का जनरल ढूंढेंगे, ये तो पाकिस्तान की हार को देख के खुश हो जाते हैं कि हमारी अब अहमियत बढ़ गई है, ये बदकिस्मती है पाकिस्तान कौम के साथ। ठीक है, तो सर दूसरी जनाब मुस्लिम लीग नून भी बयानिया ढूंढने की कोशिश कर रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो जो कुछ टाइम पहले इनकलाबी बन गए थे अब बयानिया के चक्कर में पड़े हुए हैं। नवाज शरीफ साहब कौन से गिला कर रहे हैं कि कौम मेरे लिए नहीं निकली, एक जज ने मुझे निकाल दिया था, इकतदार भी मिल गया है और फिर अब सदारत के लिए भी दोबारा नवाज शरीफ साहब सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए मेरे भाई, नवाज शरीफ को कौम ने कभी नहीं छोड़ा, ऐसे तो भुट्टो के जब उनको फांसी दी जा रही थी, रिएक्शन टाइम लगता है, उस वक्त तो कोई बोला ही नहीं था भुट्टो पे, आज तीसरी जनरेशन उसकी हुकूमत कर रही है पाकिस्तान के लोगों पर, वो पीपल पार्टी जिंदा है, बिलावल को भी उन्होंने अपना लीडर बना दिया है,
जरदारी को भी बना लिया है। बात यह है कि ये खड़े तो रहे, कौम ने नहीं छोड़ा, ये हमें जेलों में डाल के हम इनकी जंग लड़ रहे थे, पाकिस्तान की जंग लड़ रहे थे, तो ये क्यों चले गए जिदा? कोई पूछने वाला है इनसे? डील करके इसके बाद अभी भी प्लेट वह कभी गिरे कभी चढ़े और ये लंदन चले गए, फिर डील करके लंदन से वापस आ गए, 40-40 हजार वोटों से हार गए हैं, तो फिर भी हुकूमत वो डील करके लेके बैठे होंगे। कौम ने नवाज शरीफ को नहीं छोड़ा, हर दफा नवाज शरीफ ने कौम को छोड़ दिया। हम तड़पते रहे, मारे खाते और रहे जेलों में, हमें बर्फ की सिरों में लटकाया जाता रहा, हमने ही छोड़ा हमने नवाज शरीफ को। फिर आके कहते हैं वो वोट को इज्जत दो, तो फिर वो जब वो उसको एक्सटेंशन देने का मामला आता है तो नवाज शरीफ दे देते हैं बाजवा साहब को। इस तरीके की डीलें 4-5 दफा कर चुके हैं, तो आप बयानिया वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का शायद कह भी देंगे कुछ बातें, लेकिन फिर 5-7 महीनों के बाद डील करेंगे और कहाँ जाके बैठेंगे? लंदन और जीते के बाद अब तो पेरिस ही बचता है या वॉशिंगटन। सर, इसका मतलब कि नवाज शरीफ ने अपनी अवामी सियासत दफन कर दी है और अब डील की सियासत जिंदा रहेगी या सिर्फ? देखिए, बार बार उन्होंने दफन की है, कौम ने साथ दिया। मैं देखें, मैं आपको रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, नवाज शरीफ से मेरी बात हुई जेल से, तो उन्होंने कहा कि ये मुल्क गवर्नर एबल रहा ही नहीं है, और मैं तो सियासत में बिल्कुल नहीं आना चाहता। मैंने कहा मियाँ साहब, आप दिल छोटा ना करें, आप हमें छोड़ के गए हैं, हम जेलों में बैठे हैं, लेकिन आपको जो हमने यहाँ पे पूरे मुल्क की सियासत को कंट्रोल करना है, हर अहम लीडर आपके पास मैं जिद्दे में पहुंचाऊंगा, हर लीडर गया, नवाज रसूल गया, बेनजीर साहबा गई, जरदारी साहब गए, मौलाना फजलुर रहमान गया, कौन बचा पीछे? और उनकी अहमियत इतनी उजागर कर दी थी हमने, काजी हुसैन अहमद भी वहां पे पहुंच गए, जिसको उठा के उन्होंने फेंक दिया था, हमने सच में बिठा लिया और हर आदमी को भेजा वहां पे। अगर उसके बाद भी वो आके डील कर ले और वो अपने मर्जी की लोगों को निकालते रहे लाते रहे, तो इस तरीके से तो वो और बयानियां बनाना चाहते हैं, बनाने जो यकीन करे करें, मैं तो यकीन कर नहीं सकता उनके बयानियों। मखदूम साहब, आप बड़ी कड़वी बातें कर रहे हैं सर, हकीकत दिखा रहे हैं। माजी के तनाजुर में नून लीग ये कह रही है कि हम पे तो सोशल मीडिया पे तनकीद होती है, ये सोशल मीडिया एक प्रोपगंडा कर रहा है, हम तो बड़े इनकलाबी रहे। आप जो बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे भी यही बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया को बंद करने के लिए, वहां पर आवाज को कंट्रोल करने के लिए कानून लाए जा रहे हैं, कंट्रोल करने के लिए। क्या कहेंगे अब, आवाम की आवाज को दबाने की कोशिश की अब जा रही ये है? मुझे बताएं, कंट्रोल कौन लाता है जो सच का सामना नहीं करना चाहता? सच को रोकने के लिए बहुत हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, कि चूंकि ये मुल्क जो थे, हम तो सदियों की गुलामी में रहे हैं, अंग्रेज के भी गुलाम रहे हैं, बड़ी अरसे के बाद 76 साल तो वो जिस बयानियों को ये कहते रहे हम वही सुनते रहे हैं, अयूब खान के दौर से लेकर अब तक बयानियां किसका चलता रहा है, और कबूल भी हमने कर लिया। लेकिन अगर याह्या खान जो है वो अब आपके मुल्क के होकर 4.5 साल हुकूमत कर जाए और फिर उसको भी 21 तोपों की सलामी के अंदर दफन किया जाए,
پرویز مشرف کو بھی صدر تک کی تمام سہولتیں آخری عمر تک پہنچاتے رہیں اور وہ سارے کے سارے وہاں مال جمع کرتے رہے. لیڈر ہمارے دبئی میں, لندن میں, واشنگٹن میں اپنی جائیدادیں بناتے رہے. تو مجھے یہ بتائیں, ان کے اس بیانیوں کو اگر کوئی بیان کرے گا تو اس بیانیوں کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ کر ہی نہیں سکتے. سر آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ اگر پاکستان میں کبھی اللہ کرے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں, اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے اور سیاست سے اپنا ہاتھ نکال لے, تو کس کی سیاست ختم ہو جائے گی, کون کون مائنس ہو جائے گا اور کون باقی رہے گا؟ دیکھیں بڑی واضح بات ہے, یہ پارٹیاں تو ختم ہو چکی ہیں. آج الیکشن ہو تو عمران خان اس سے زیادہ ایک دو سیٹیں شاید بچ جائیں, جیسے شیخ مجیب کو ہم نے تو نکال دیا, اسے ساری زندگی آخری نعرہ بھی پلٹن میدان میں کہا کہ میں پاکستانی ہوں اور پاکستان میرا ہے, میں پاکستان کو نعرہ لگاتا ہوں, پاکستان زندہ باد. بنگلہ دیش کو بھی کہا کہ اسے زندہ باد. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کو ووٹ مل گئے, صرف دو سیٹیں ملی اپوزیشن کو, ایک نور الامین صاحب کو ملی اور ایک راجہ تری دیو رائے کو ملی. اسی طریقے کا یہاں پہ ہوگا ریزلٹ, کوئی ایک دو سیٹیں کوئی لے جائے تو لے جائے. عمران خان آئے گا اس جو آپ پوزیشن بتا رہے ہیں. اب اس کے بعد اگر وہ ملک صحیح نہیں چلاتا تو پھر اس کو بھی لوگ کب تک برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے. اس لیے اگر عمران خان بھی آتا ہے تو وہ بھی سوچ لے کہ اس ملک کو اب ہم نے ان اندھیروں سے نکال کے ان کو ہم نے روشنی کی طرف لے کے چلنا ہے. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.